ठीक है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन वन था कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन की, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन की जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 या 2pz1। तो अब देखो इसका जो ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए है इसको देख लो कि 1s2 है, 2s2 है, और 2p में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, 2p में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक px में जा रहे हैं और एक py में, ठीक है, 2px में भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 2py में भी जा रहा है, मगर उनकी स्पिन देखो पैरेलल है। अब इस ऑप्शन के अंदर देखो एक और भी ऑप्शन है, ये देखो, मगर इसके अंदर देखो कि एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, दूसरे एंटी क्लॉकवाइज है। अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर सिंगल सिंगल हैं तो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और ये दूसरा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक स्पिन क्लॉकवाइज दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ये तो वैसे दोनों ऑप्शन सही नहीं है, मगर करेक्ट इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, कार्बन की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ठीक है। अगर कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जाती है, एक्साइटेड स्टेट में, तो एक इलेक्ट्रॉन जंप लगाता आगे, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप लगाता, ये हो जाता 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1, मगर ये होगा नहीं ऑप्शन, क्योंकि पूछा गया है ग्राउंड स्टेट का, कार्बन का, एक्साइटेड स्टेट का नहीं पूछा गया। अगर एक्साइटेड स्टेट का पूछा जाता तो उसका जवाब ये होता। अच्छा उसके बाद देखो है प्रोटॉन डिस्कवर्ड, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर्ड किया था बेटा, गोल्डस्टीन ने, ये लिखा हुआ है पॉजिटिव रेज के अंदर। चार्ज टू मास रेशियो बेटा, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रेज या कैनाल रेज या पटू रेज, ठीक है, उसी का ज्यादा होता है, गैस का ज्यादा होता है, जो गैस हल्की हो, जो एटम लाइटर हो, और जब एटम भारी होगा बेटा, जो एलिमेंट एटम भारी है उसका आयन जो बनेगा वो भी भारी बनेगा, उसका आयन भी हैवी बनेगा, उसका मास भी ज्यादा होगा, और चार्ज टू मास रेशियो लोएस्ट हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इंटीटस में भी था, मिनिमम चार्ज टू मास रेशियो, जो एनोड रेस का मिनिमम चार्ज टू मास रेशियो वो किसका होगा बेटा, हैवी एटम का होता है, वो याद कर लो, हैवी एटम का होगा, मिनिमम का मतलब है कम से कम, वो होगा बेरिलियम का, ठीक है, वो इसलिए बेरिलियम का ज्यादा होगा कि बेरिलियम का जो मास है वो ज्यादा है, इसलिए ई अपॉन एम रेशियो जो बनता है, ई अपॉन एम रेशियो बेटा चार्ज टू मास रेशियो, क्यों, मास बढ़ेगा तो चार्ज टू मास रेशियो मिनिमम कम हो जाएगा, और चार्ज टू मास रेशियो जो एनोड रेज का वो गैस पे डिपेंड करता है, और कैथोड रेज का गैस पे डिपेंड नहीं करता, सब गैसेस का बराबर होता है। उसके बाद क्वेश्चन वही था, नेचर ऑफ द एनोड रेज डिपेंड अपॉन बेटा, एनोड जो रेज है, पॉजिटिव रेज, उनकी नेचर किस पे डिपेंड करती है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस फिल की गई है उस पे डिपेंड करती है, जो एनोड रेज की जो नेचर है वो डिपेंड करती है गैस के ऊपर, और हल्के में हल्की हाइड्रोजन गैस है जिसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, एनोड रेज का ज्यादा होगा, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, बाकी का कम होगा, क्योंकि जैसे मास बढ़ता जाएगा तो चार्ज टू मास रेशियो कम होता जाएगा, जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था।
अच्छा उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन। बेटा इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस बताया था आपको मैंने कि इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये कंसेप्ट किसने दिया था? श्रोडिंगर ने दिया था। मतलब ये आर्बिटर का कंसेप्ट है कि रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज नोन एज आर्बिटर। न्यूक्लियस के वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं उस रीजन को हम क्या कहते हैं? आर्बिटर कहते हैं। और ये आर्बिटर का कंसेप्ट दिया था श्रोडिंगर ने। ठीक है बेटा, तो ये देखो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइनल इलेक्ट्रॉन इन आर्बिटर वाज कन्विंस्ड बाय श्रोडिंगर। अच्छा उसके बाद है इफ एन इलेक्ट्रॉन हैज स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ एंड मैग्नेट क्वांटम नंबर माइनस वन। बेटा स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ है, इसका मतलब है आर्बिटर में इलेक्ट्रॉन एक है। आर्बिटर में इलेक्ट्रॉन क्या है? एक है। ठीक है, और जो उसका मैग्नेट क्वांटम नंबर है वो माइनस वन है, इसका मतलब है आर्बिटर एस तो नहीं हो सकता। यह आर्बिटर एस, ये इलेक्ट्रॉन एस आर्बिटर में तो पॉसिबल ही नहीं है। किस तरह पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एस आर्बिटर के लिए एम की वैल्यू सिर्फ सिंगल है, जीरो है। बेटा एस के लिए जो एम की वैल्यू होती है वो जीरो होती है, मगर पी के लिए एम की वैल्यू प्लस वन भी होती है, जीरो भी होती है, माइनस वन भी होती है। डी के लिए एल की वैल्यू, और डी के लिए एम की वैल्यू प्लस टू भी है, प्लस वन भी है, जीरो भी है, माइनस वन भी है, माइनस टू भी है। और एफ के लिए जो एम की वैल्यूज हैं प्लस थ्री भी है, प्लस टू भी है, प्लस वन भी है, जीरो भी है, माइनस वन भी है, माइनस टू भी है, माइनस थ्री भी है। तो ये वैल्यू कौन सी दी गई है आपको? माइनस वन दी गई है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन या तो पी में हो सकता है, या डी में हो सकता है, या एफ में हो सकता है, मगर एस में पॉसिबल नहीं है। तो पूछा जाएगा किस में पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रॉन, ये किस में ये मौजूद, कैन नॉट बी प्रेजेंट, किसके अंदर ये मौजूद नहीं हो सकता? एस के अंदर। अच्छा किस तरह पता चला? एम की वैल्यू से पता चला, क्यों? एम की वैल्यू माइनस वन है। अगर एम की वैल्यू जीरो होती तो ये इलेक्ट्रॉन एस में भी हो सकता था, पी में भी हो सकता था, डी में भी हो सकता था, एफ में भी, मगर अब किसके चांसेस नहीं है? एस के चांसेस नहीं। अगर एम की वैल्यू प्लस टू दी जाती तो फिर ये इलेक्ट्रॉन ना तो एस में होता ना पी में होता, प्लस टू या माइनस टू होती वैल्यू, तो इसका मतलब फिर डी में हो सकता है, एफ में। अगर एम की वैल्यू प्लस थ्री दी जाती तो समझ जाओ कि एक ही आर्बिटर में इलेक्ट्रॉन ये पॉसिबल है वह एफ, क्योंकि एम की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि कौन सी आर्बिटर है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अच्छा बेटा ये आपको क्वेश्चन मैंने करवाए भी थे कि भाई एन की वैल्यू फोर है, एल की वैल्यू थ्री है, जब एन की वैल्यू थ्री और एल की वैल्यू फोर है तो बात हो रही है फोर एफ की, तो फोर एफ में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? फोर्टीन। बेटा एफ में तो फोर्टीन इलेक्ट्रॉन जाते हैं, नहीं तो इलेक्ट्रॉन वैल्यू करने का तरीका भी है। फोर एफ प्लस टू, फोर मल्टीप्लाइड बाई थ्री प्लस टू, फोर्टीन इलेक्ट्रॉन। तो बेटा इलेक्ट्रॉन फोर्टीन जा सकते हैं इसके अंदर मैक्सिमम। आर्बिटर्स हैविंग सेम एनर्जी, जिन आर्बिटर की एनर्जी सेम होती है उनको कहते हैं डीजनरेट आर्बिटर्स। बेटा डीजनरेट का मतलब है इक्वल एनर्जी वाले आर्बिटर्स। एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, कहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री है, एन की वैल्यू थ्री है, तो एल की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? अब देखियो एल पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा। एल का फार्मूला है कौन सा? जीरो टू एन माइनस वन, जीरो टू थ्री माइनस वन, मतलब जीरो टू टू। ठीक बेटा,
बेटा एल का फॉर्मूला है जीरो टू एन माइनस वन, एन के लिए थ्री है, थ्री में से एक जाएगा टू, इसका मतलब जीरो से लेकर टू तक, तो एल की वैल्यूज कितनी होंगी, जीरो भी होगी, वन भी होगी, टू भी होगी, तो इसके अंदर सब लेवल तीन है बेटा, सब लेवल कितनी होगी, तीन होगी। अब नंबर आर्बिटर्स ये सब ले लोगे, नंबर ऑफ आर्बिटर्स है एन स्क्वायर, नाइन आर्बिटर हो गए बेटा, आर्बिटर नाइन, यही जवाब है इसका, थ्री सब ले लो और नौ आर्बिटर। अच्छा 98 क्वेश्चन, एन प्लस एल के लिए सेवन है, तो टोटल सब शेल कितने होंगे, एन और एल के लिए सेवन है। अच्छा अब मैं एल की हाईएस्ट में हाईएस्ट वैल्यू लेता हूं, बेटा देखो एल की वैल्यू में लेता हूं थ्री, बेटा एल की वैल्यू में थ्री ले लेता हूं, तो एन की क्या वैल्यू होगी, फोर होगी, क्यों भाई फोर क्यों, क्योंकि एन प्लस एल सेवन है, ठीक है, जब मैं एन की एल की वैल्यू थ्री लेता हूं तो एन की वैल्यू क्या होगी, फोर होगी, और फोर जब एन की वैल्यू, तो सबलेट्स कितनी होंगी बेटा, जब एल की वैल्यू थ्री लेता हूं मैं तो एन की वैल्यू तो मुझे फोर लेनी पड़ेगी, क्योंकि एन प्लस एल सेवन है, क्योंकि एन प्लस एल सेवन के बराबर है, तो फोर प्लस थ्री सेवन हो जाए, तो चौथे शेल में सबलेट्स कितनी होंगी, चार सबलेट्स होंगी। तो आप तो कहेंगे सर एन एल की वैल्यू तो आपको गिवन ही नहीं थी, तो आपने क्यों अपनी तरफ से रखी, चलो ठीक है मैं गिवन नहीं, मैं एल की वैल्यू सभी रखता हूं फिर जवाब निकालता हूं, ठीक, एल की वैल्यू मैं रखता हूं टू, तो एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी मुझे, पांच, तो भी सबलेट्स चार होंगी भाई, एन की वैल्यू पांच है तो सबलेट तो मैक्सिमम चार है बेटा, चार से ज्यादा तो है ही नहीं, ठीक है। अब एल की वैल्यू रखता हूं मैं वन, तो एन की वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी छह, ताकि दोनों का सम है सेवन हो जाए, इनका सम भी सेवन है, इनका सम भी सेवन है, उसका भी सम भी क्या होगा, और एन की वैल्यू छह है तो भी सबलेट चार होंगी, अब एल की वैल्यू मैं जीरो रखता हूं तो एन की वैल्यू मुझे सात रखनी पड़ेगी, और एन की वैल्यू सात है तो भी सबलेट्स चार होंगी, चार से ज्यादा सबलेट्स है ही नहीं भाई, बेटा एन की वैल्यू में भले मैक्सिमम थ्री रखू ना तभी एन की वैल्यू चार आएगी, और जिसके अंदर सबलेट्स चार होंगी, तो जवाब क्या होगा, चार होगा सबलेट्स, ठीक है, एन और एल की सेवन है तब। अच्छा बेटा इसके अंदर सीक्वेंस नहीं आ रही है पेपर की, तो जिस तरह पेपर ये जो यूएसबी में रखे हुए वही हल करवा रहा हूं मैं आपको, जिस सीक्वेंस में रखे हुए ना उसी हिसाब से मैं हल करवा देता हूं आपको, सारे हल करवा दूंगा बस, जैसे सीक्वेंस यूएसपी में रखे हुए हैं। अच्छा नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन द पीएक्स, बेटा पीएक्स में नोडल प्लेन कितनी होगी, एक होगी, और नोडल प्लेन वो है जहां दो लोकशाखा मिलती हैं,
ये नोडल, ठीक है बेटा, वन होगी। अच्छा उसके बाद है 143, पोटाशियम की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है बेटा। बेटा पोटाशियम की जो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ये हो गए। तो वैलेंशियल लिखी हुई है पोटाशियम 4s1, क्रोमियम, ये होता है आर्गन 3d5 4s1, क्रोमियम के बाद कॉपर, ये होता है आर्गन 3d10 4s1, क्योंकि क्रोमियम कॉपर में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होती है बेटा, एक जगह वैलेंसियल हाफ फील्ड हो जाता है और डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है, दूसरी जगह कंप्लीट फील्ड। यो पानी पिया था। तो बेटा ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। सही, आसान है, ये हल भी करवाया था क्लास में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल, बेटा कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पॉसिबल ही नहीं है, टू ये वाली 1s2, 2s2, 2p2, उसके बाद 3s1, ये नहीं है। 2p को फिल ही नहीं किया, 3s में इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकते बेटा, 2p को पूरा फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन 3s में जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा तो अज्यूमथल क्वांट नंबर सब एनर्जी लेवल को शो करता है, शेप ऑफ ऑर्बिट को भी जाहिर करता है और इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम को भी जाहिर करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, उसके लिए भी अज्यूमथल क्वांट नंबर को यूज किया जाता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद है 100 नंबर क्वेश्चन, द क्वांटम नंबर एम ऑफ फ्री गैसेस एटम इज एसोसिएट। तो बेटा क्वांटम नंबर जो एम है मैग्नेट क्वांटम नंबर किसके लिए होता है, ऑर्बिटर की ओरिएंटेशन के लिए होता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटर इन स्पेस इन मैग्नेट फील्ड। तो ये है स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटर, स्पेस के अंदर जो ओरिएंटेशन होती है ऑर्बिटर की, बेटा स्पेस के अंदर जो ऑर्बिटर की ओरिएंटेशन है उसको डिस्क्राइब करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ डैश क्वांटम नंबर्स, एक ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कितने क्वांटम नंबर एक जैसे हो सकते हैं, ये कह रहे हैं ना, नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम वैल्यूज ऑफ क्वांटम नंबर। ठीक है, क्वांटम नंबर की कितनी वैल्यूज सेम हो सकती हैं, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर तो कभी सेम हो ही नहीं सकता दो इलेक्ट्रॉन के लिए, बेटा दो इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज कभी सेम नहीं हो सकती। अगर सपोज करते हैं, ये आपको उस दिन भी सिखाया था मैंने आपको, कि अगर 1s में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या हो सकता है, ठीक है उसके बारे में। ठीक है, n की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, m की वैल्यू 0 होगी, ठीक है,
स्पिन क्वांटम नंबर एक प्लस हाफ होगा, दूसरा माइनस हाफ। अच्छा देखो बेटा प्लस हाफ किसके लिए शुरू करते हैं, माइनस हाफ। अब इसके अंदर कोई क्लियर कट नहीं बात कही गई है, एक को प्लस हाफ से शो करते हैं, एक को माइनस हाफ से शो करते हैं, ठीक है। अब कहीं लिखा हुआ है कि भाई ये जो प्लस हाफ है वो एंटी क्लॉकवाइज को रोटेशन को जाहिर करता है, और जो माइनस हाफ है वो क्लॉकवाइज को रोटेशन को जाहिर करता है, इलेक्ट्रिक स्पिन को जाहिर करता है। मगर किसी बुक में उसकी उसके अपोस्ट बात की गई है कि भाई जो प्लस हाफ है वो क्लॉकवाइज के लिए है और जो माइनस हाफ है वो एंटी क्लॉकवाइज के लिए है। तो ये जो प्लस हाफ और माइनस हाफ है बेटा, सिंबॉलिक वैल्यूज हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को जाहिर करते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है, दूसरे का माइनस हाफ है। किसको कोई भी नाम दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता इसे, ठीक है। तो अब देखो ये स्पिन क्वांटम के चार क्वांटम नंबर्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 0, और जो स्पिन क्वांटम होगा माइनस हाफ होगा। तो कहने का मकसद ये कि अगर एक जो दो इलेक्ट्रॉन से एक ही ऑर्बिटल में है, दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, तो उन दोनों की एन की वैल्यू सेम होगी। देखो ये एन की वैल्यू सेम होगी, एल की वैल्यू भी सेम होगी, सेम ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू सेम होती है, एम की वैल्यू भी देखो सेम होगी दोनों की। जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, एक स्पिन प्लस हाफ दूसरे के माइनस हाफ। तो क्वांटम नंबर कितने सेम हो गए, थ्री सेम क्वांटम नंबर। तीन क्वांटम नंबर सेम हो गए। उसके बाद है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू थ्री, ठीक है बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, एन इज इक्वल थ्री। अच्छा अब इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं 3D की। बेटा 3D की बात कर रहे हैं, देखो तो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 10 जाते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा दो, चार एक पांच, पांच को दो से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा 10, 103। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन एसोसिएट विथ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब देखो यहां पे बेटा एन इज इक्वल टू 2, एल इज इक्वल 1, एम इज इक्वल 0, तो ये कह रहा है 2p के एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे। बेटा 2p का एक ऑर्बिटल है, देखो m की वैल्यू दी गई है आपको, m की सिंगल वैल्यू है, मतलब सिंगल ऑर्बिटल। बेटा m की सिंगल वैल्यू का मतलब है सिंगल ऑर्बिटल है ये, और किसका सिंगल ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल ऑफ 2p। तो P के सिंगल ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इसका जवाब 2 होगा, क्योंकि आपको M की वैल्यू दी गई है, 0 का मतलब है सिंगल ऑर्बिटल। अच्छा आप देखो इसके अंदर है N की वैल्यू 2, पीरियड 2 है ये, इसका मतलब ये एलिमेंट सेकंड पीरियड का है, एल की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पी में जा रहे हैं, बेटा एन की वैल्यू 2 है, एल की वैल्यू का मतलब है 2p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे,
टू पी के अंदर एलिमेंट का पीरियड सेकंड होगा, ठीक है, और ये ब्लॉक पी पी ब्लॉक से बिलोंग करता है एलिमेंट, तो इसमें देखो ऑप्शन कौन से सही हो सकते हैं, पीरियड थ्री तो हो ही नहीं सकता, पीरियड थ्री तो हो ही नहीं सकता, बस दो ऑप्शन तो वैसे कट गए क्योंकि एन की वैल्यू टू है, तो मतलब ये सेकंड पीरियड है, एलिमेंट का तो दो ऑप्शन तो वैसे भी कैंसिल हो गए, बाकी बचे दो। अच्छा जीरो ग्रुप में देखो बाकी बचे जो दो ऑप्शन तो जीरो ग्रुप है ना, जीरो ग्रुप वाले तो आपको पता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, सभी पेयर्ड होते हैं, इसके एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन पैरेलल है, कह रहा है इसकी वैल्यू माइनस हाफ है, इसकी स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ का मतलब है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मौजूद है इलेक्ट्रॉन, भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें होगा भी नहीं, जीरो ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन तो सभी पेयर्ड होते हैं, स्पिन क्वांटम में प्लस हाफ भी होगा माइनस हाफ भी होता है क्योंकि इसमें सब इलेक्ट्रॉन जोड़े जोड़े में होते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अब बाकी बचा ऑप्शन हमारे पास एक, ठीक है, सातवां ग्रुप पीरियड टू, सातवां ग्रुप और पीरियड टू ये पॉसिबल है। देखो फ्लोरीन है, ठीक है, नाइन एटॉमिक नंबर, वन एस टू, टू एस टू, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब हो सकता नहीं है बेटा। देखो टू पी में, टू पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, टू पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, और तो एन की वैल्यू क्या हो सकती है टू, एल की वैल्यू क्या होगी वन, एम की वैल्यू क्या होगी वन होगी, ठीक है, और स्पिन क्या होगा प्लस प्लस माइनस हाफ होगा, प्लस हाफ भी हो सकता है माइनस हाफ भी हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मौजूद है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा वो, तो बेटा यही सही हो सकता है, बाकी तो जवाब सही होगा भी नहीं, बाकी सही जवाब क्यों नहीं होगा, एक तो मैं इनको पीरियड की बात बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये थर्ड पीरियड के अंदर बात कर रहा है, थर्ड पीरियड तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता, एन के लिए टू है, ये भी देखो पीरियड थ्री बता रहा है ये भी सही नहीं है, बाकी बचा क्या है पीरियड टू के लिए, आपको बता दो ऑप्शन है पीरियड टू वाले, पीरियड टू वालों में ऑप्शन में ग्रुप सेवन ही हो सकता है जिसके पी में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है, तो ये भी देखो पी में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये जो क्वांटम में बता रहे हैं कि पी में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बाकी ये तो पी फील्ड हो गए, बाकी एक जो पी है ना आउटरमोशियल का उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, देखो सारे क्वांटम उसी से मैच हो रहे हैं, अच्छा बेटा दो को आपको दिए गए क्वांटम नंबर का सेट और पूछा गया इलेक्ट्रॉन पहले किस में एंटर होगा, इलेक्ट्रॉन पहले किसके अंदर एंटर होगा, एक दिया गया एन इज इक्वल फोर, एल इज इक्वल टू, एन प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर प्लस टू सिक्स, अच्छा दूसरे में एन की वैल्यू सिक्स, एल की वैल्यू क्या है जीरो, तो एन प्लस एल क्या हो जाएगा सिक्स प्लस जीरो सिक्स, हाँ अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, दोनों की एन प्लस एल की वैल्यू बराबर है, जब दो ऑर्बिटल की एन प्लस एल की वैल्यू बराबर होती है तो क्या होता है डिसाइड किससे होता है, तो बेटा एन से डिसाइड करते हैं, जिसकी स्मॉलर वैल्यू होगी एन की उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, बेटा जब दो ऑर्बिटल की एन प्लस एल की वैल्यू बराबर हो जाती है ना, तो जिस ऑर्बिटल की एन की वैल्यू लोएस्ट होती है
जिस ऑर्बिटल की एन की वैल्यू कम होगी इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा पहले, पहले जाएगा इसके अंदर एन की वैल्यू कम में। 106 क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेनेशन फॉर द प्रेजेंस ऑफ थ्री अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द फास्फोरस, फास्फोरस के पी में तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर मौजूद हैं और उनको रखा गया किसकी बुनियाद पर, हंस रूल के तहत। बेटा फास्फोरस है 15 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1 3pz1, तो तीन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए अनपेयर्ड। ठीक है, तो ये हैंड्स रूल है बेटा। अच्छा उसके बाद है, व्हिच लॉ रिप्रेजेंट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल आफ्टर ऑर्बिटल्स इज फिल्ड विथ वन इलेक्ट्रॉन, कहता है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी मगर सबसे पहले क्या होगा इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड कर देंगे। कहते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब होती है जब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, मतलब सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड होंगे, px में एक जाएगा, py में एक जाएगा, pz में एक जाएगा, या dx में, dxy में एक जाएगा, dyz में एक जाएगा, dxz में एक जाएगा, dx square y square dz square में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। d के पांच ऑर्बिटल डीजेनेट हैं उनमें सब में सिंगली फिल करेंगे, p के तीन ऑर्बिटल डीजेनेट हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को सिंगली पहले भरेंगे, सिंगल भरने के बाद उनकी पेयरिंग होगी। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली फिल करेंगे, सिंगल भरेंगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग होगी, उसके बाद वो पेयर बनाएंगे। हंस रूल के तहत अच्छा 108 द फॉलोइंग हंस रूल व्हिच एलिमेंट कंटेन्स फोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, बेटा किसके अंदर अनपेयर इलेक्ट्रॉन चार होते हैं, तो आपने अपने डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़े कि आयरन के अंदर बेटा आयरन जो है उसके डी में चार इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, आयरन वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी सिक्स, तो डी के पांच ऑर्बिटल्स हैं जो डी जेनेट हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। चार इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए आयरन के अंदर। ठीक है बेटा उसका बाद है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, बेटा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग, कहता है इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है सीक्वेंस में होती है, मतलब पहले लोअर एनर्जी को उसके बाद हायर एनर्जी को भरते हैं हम एफबीएफ प्रिंसिपल के तहत। अच्छा बेटा देखो रूल की वायलेशन, ऑफ ए प्रिंसिपल की वायलेशन, ऑफ ए प्रिंसिपल की वायलेशन किसके अंदर हुई है बेटा, वो है कि
अगर लोअर एनर्जी को आपने फिल नहीं किया है बेटा, लोअर एनर्जी को आपने फिल नहीं किया और अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी में चले गए तो ये उसके रूल की वायलेशन है। देखो इसमें, इसके अंदर बी ऑप्शन में देख लो कि आपने 1s में एक इलेक्ट्रॉन लिखा, हालांकि 1s को पूरा फिल तो करें आप लोग, 1s में दो इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जबकि 1s में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इसका मतलब है ये रूल की वायलेशन है, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में रूल की वायलेशन हो रही है कि लोअर एनर्जी को पूरा फिल ही नहीं किया हमने, लोअर एनर्जी को फिल कर रही किए बगैर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे चले गए तो ये है रूल की वायलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी में। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल लिमिट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल। टू, कौन सा रूल कहता है कि भाई दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जा ही नहीं सकते, लिमिट किसने रखी है ये दो इलेक्ट्रॉन वाली? पाली ने, पाली ने ये लिमिट रखी है दो इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल, कि एक ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, पाली का प्रिंसिपल है ये। अच्छा, उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। तो हंट्स रूल क्या कहता है कि डिजिट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सिंगल जाते हैं। देखो यहां पे देखो बेटा, 1s2 2s2, तो फिर क्या होना चाहिए, 2p में दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट चले गए, ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पीएक्स पीवाई पीजेड में इलेक्ट्रॉन को सिंगल भरना है जबकि हमने डायरेक्ट 2px में दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए। बेटा पीएक्स में दो इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट डाल दिए, ये रूल्स की खिलाफ फर्जी है। देखो ये रूल की वायलेशन है कि 2s में दो इलेक्ट्रॉन जाना, 2px में होना ये चाहिए था कि एक 2px में जाता एक 2py में, वो सही था। तो बेटा ये रूल की वायलेशन हुई है, हंट्स रूल की वायलेशन की गई है। इस तरह तो यहां पे वायलेशन हुई है। अच्छा, उसके बाद है 113 क्वेश्चन, निकल टू बेटा एटॉमिक नंबर 28 निकल टू के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 4s में जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जीरो हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद 3d8 4s0, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से लूज हुए हैं। बेटा ये दो इलेक्ट्रॉन 4s से लूज हुए, 4s0 हो गया, भले लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है। तो डी में जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस तरह रखेंगे हम। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। बेटा डी के जो 5 ऑर्बिटर्स हैं, अब उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल जाता है, सिंगल गया, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन। बेटा 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके अंदर।
अच्छा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड इलेक्ट्रॉन एट नोडल प्लेस, नोडल सरफेस, तो नोडल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो होते हैं, बताया था आपको मैंने, नोडल सरफेस पे बेटा इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस जीरो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा नोडल सरफेस पे। अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल, बेटा सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है वो होता है टू इंटू टू एल प्लस वन होता है, फिर उसको हम हल करेंगे आगे तो हो जाता है फोर एल प्लस टू, क्या हो जाता है फोर एल प्लस टू, ये वाला फॉर्मूला भी सही है ना, तो 4l plus 2 है। 160 नंबर, व्हिच ऑर्बिटल गिव्स एन इलेक्ट्रॉन द ग्रेटेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड क्लोज टू द न्यूक्लियस, कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होता है बेटा, s, जो s ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के क्लोज है, अगर 3s है 3p है सॉरी 4s 4p 4d 4f हो ना, तो 4s न्यूक्लियस के क्लोज होता है, जो 4s होता है न्यूक्लियस के क्लोज है, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के क्लोज होगा 3s। अच्छा उसके बाद है स्प्लिटिंग ऑफ द स्प्लिट लाइंस व्हेन द एटम आर सब्जेक्ट टू स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिट लाइन की स्प्लिटिंग होती है, तो बेटा ये पंजाब के बुक में क्वेश्चन जो लास्ट में एक्सरसाइज में दिए गए थे वहां से मैंने दिया था, और ये बोहर्स की थ्योरी के डिफेक्ट में भी बात लिखी हुई है कि स्पेक्ट्रल जो लाइंस हैं उनकी स्प्लिटिंग मैग्नेट फील्ड में, देखो स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस, जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं स्पेक्ट्रम के अंदर लाइंस आती है बेटा, क्योंकि एक मेन एनर्जी लेवल्स है दूसरे सब एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, तो ये कहता है स्प्लिटिंग ऑफ स्प्लिट लाइंस व्हेन एटम्स आर सब्जेक्ट टू मैग्नेट फील्ड, अगर मैग्नेट फील्ड में स्प्लिट लाइंस की स्प्लिटिंग हुई है तो है ज़ीमन इफेक्ट, उसको कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट, अगर स्प्लिट लाइंस की स्प्लिटिंग मैग्नेट फील्ड में हुई तो वो ज़ीमन इफेक्ट है, अगर स्प्लिट लाइंस की स्प्लिटिंग हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको कहते हैं स्टारिक इफेक्ट, तो ये होगा स्टारिक इफेक्ट। अच्छा व्हेन द 4p और 4d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड, जब 4d ऑर्बिटल को कंप्लीटली फिल्ड करेंगे तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5p में जाता है सीक्वेंस में, बेटा जो सीक्वेंस है ना उसमें देखो सीक्वेंस इस तरह की है 1s 2s 2p 3s 3p 3d सॉरी 3p के बाद 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, तो ये देखो ये होगा 4d के बाद किसको भरा जाएगा 5f को, अच्छा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटर्स आर डीजेनरेट, कौन से ऑर्बिटर्स हैं जो डीजेनरेट हैं, बेटा डीजेनरेट का मतलब है जिसमें एन और एल की वैल्यू बराबर हो, फोर पी एक्स फोर पी वाई फोर पी जेड, तो एन की वैल्यू फोर, एन की वैल्यू फोर, इसमें भी n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 1, इधर भी l 1, इधर भी l 1, तो जब n और l की वैल्यू बराबर हो जाती है तो ऐसे ऑर्बिटल को कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, व्हेन वैल्यू ऑफ n एल आर सेम,
when value of n and l are same, these orbitals are known as degenerate orbitals. तो बेटा ये डिजिटल ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अब बात है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द शेल विथ एन इज इक्वल 4। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला एन स्क्वायर तो 16 आर्बिटर्स होंगे बेटा, आर्बिटर होंगे 16। अच्छा ठीक है, अब आते हैं डी जेड स्क्वायर में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। बेटा डी के हर आर्बिटर में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे भी नहीं, चाहे डीएक्स वाई हो, डी वाई जेड हो, डी एक्स जेड हो, डी एक्स वाई स्क्वायर हो, डी जेड स्क्वायर, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते बेटा, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये है अब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर एन इज इक्वल 3 एल इज इक्वल 1। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बेटा, यहां 3p के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, मतलब 3p के एक ऑर्बिटल की बात नहीं हो रही है बेटा, यहां 3p के एक आर्बिटर की बात नहीं हो रही। आप कंफ्यूज होंगे कि भाई एक आर्बिटर की कोई बात हो रही है, 3p का एक आर्बिटर, यहां तो एक आर्बिटर का जिक्र ही नहीं है। 3p के जो आर्बिटर्स हैं, तीन आर्बिटर्स हैं उनका जिक्र है, उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे बेटा। 3p के अगर मैं m की वैल्यू दे दूं आपको तो फिर तो सही है, फिर कि भाई m की वैल्यू भी गिवन हो, m की अगर सिंगल वैल्यू तो सिंगल आर्बिटर, नहीं तो आपको इलेक्ट्रॉन टोटल बताने 3p के कितने इलेक्ट्रॉन है, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, एन के लिए 3 और एल के लिए 1 है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इन द ऑर्बिटल 3p। 3p के तीन ऑर्बिटल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं, 6। ठीक है, बेटा 3p में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 6 जा सकते हैं। अच्छा उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ ऑर्बिटर मस्ट एन इलेक्ट्रॉन विथ प्रिंसिपल क्वांटम एन इज इक्वल 1। बेटा एन की वैल्यू 1 है ना, एन की वैल्यू 1 है तो सब लेल एस ही होगी, जब एन की वैल्यू 1 है तो सब लेल क्या होगी, एस होगी, और जब सब लेल एस है तो लाजमी बात इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, स्फेरिकल शेप वाले ऑर्बिटर में जाएगा। बेटा देखो क्वेश्चन है, एन की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 1 है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s ऑर्बिटल में जो स्फेरिकल शेप में होगा, जो बेटा इसका शेप क्या होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह कल टाइम भी कंप्लीट हो गया, और बाकी बेटा जो रिमेनिंग पेपर होगा वो इंशाल्लाह बाकी कोई थोड़ा टाइम पेपर रहता है, कंप्लीट पेपर हो गया है
पेपर इतना मुश्किल तो नहीं था, आसान था पेपर, इजी। ठीक है, ये बंद कर, हनीफ हनीफ।